बहादुरगढ़ के उद्योगों और कर्मचारियों की तरफ से किसान भाइयों को विनम्र प्रार्थना, हमारे परिवार के लिए हमारा रोजगार चलने दें। जी हाँ, यहाँ के जो फैक्ट्री कर्मी हैं, जो कारीगर हैं, जो दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन्होंने ये बोर्ड लगाया है। वो सिर्फ इतनी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा रोजगार चलने दे। हमारे रोजगार से दो पैसे आते हैं, उन दो पैसों से हमारा परिवार चलता है, हमारी जीविका चलती है। मगर अगर फिर से वही स्थिति दोबारा यहाँ उत्पन्न होती है तो इन दुकानदारों का क्या होगा, इन फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों का क्या होगा, उन कारखानों का क्या होगा जहाँ पर हजारों लोग अपना घर चलाने के लिए काम काज करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में दो पैसे जुटाते हैं ताकि उनका घर का चूल्हा जल सके। मगर दोबारा वही स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी है। बहरहाल किसान अभी 232 किलोमीटर दूर यहाँ से शंभू बॉर्डर पर हैं, हम लोग इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर हैं, मगर स्थिति एक बार फिर से पहले जैसी यहाँ पर उत्पन्न होते हुए नजर आ रही है। हम इन व्यापारियों से बात करेंगे, इन दुकानदारों से बात करेंगे कि इनके रोजगार पर कितना प्रभाव पड़ा है। सर, सवाल सिर्फ यही है कि क्या पिछली बार जैसा ही इम्पैक्ट आप देखने को मिल रहा है कि कस्टमर्स आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता तो पूरी तरीके से रुकावटों से घिरा हुआ है। सर, ऐसा है, अगर पिछली बार जैसा आपकी बार भी हाल हुआ तो हमें हद से ज्यादा नुकसान होगा। आपकी बार कोई बेनिफिट नहीं है। ये बंद करने से हमारा काम चलता, हमारी कंपनियों से, हमारी लेबरों से, ऑन रोड खुलने से, जिससे हमारे बच्चे पलते हैं। और आज हमें 7 दिन हो गए, 7वां 8वां दिन है, हम सुबह आते हैं, शाम को ऐसे ही चले जाते हैं। कस्टमर भी नहीं आ रहे। कहाँ से आएंगे, सब कुछ बंद है, पब्लिक डरी हुई है, लेबर MI एरिया है, सारा सब डरे हुए हैं। बिल्कुल, एक बार तस्वीरें देखिए कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, शोरूम्स है यहाँ पर, बड़े बड़ी कंपनीज के शोरूम्स है, मगर स्थिति बेहद खराब है और बद से बदतर है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल इलाका है, काफी संख्या में यहाँ कर्मचारी आते हैं, कारीगर आते हैं, काम करते हैं। प्रभाव पड़ रहा है सर थोड़ा कामकाज पर? प्रभाव खाली बैठे आपके सामने दिख रहे या आप नजर आ रहे हैं, हमें ग्राहक तो कोई है ही नहीं। प्रशासन से अपील करेंगे कम से कम जब तक किसान नहीं आ रहे तब तक तो रास्ता खोला जाए। हाँ जी, जरूर, हम आपके साथ हैं, रास्ता खुले जब भी कुछ काम बढ़ेगा, जब तक तो बस आए गए। बिल्कुल, आप देखिए स्थिति काफी खराब है, क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है, दुकानें तो समय पे खुल रही हैं, मगर पहले जैसी आमदनी नहीं है, गले में दो पैसा नहीं जा रहा है। भाई सब सीधा सवाल, प्रभाव पड़ रहा है रोजी पे? पड़ रहा है 100% प्रभाव पड़ रहा है। जब आदमी का आवागमन नहीं होगा तो काम कहाँ से होगा? ये पैदल मार्च वाले से काम नहीं हो सकता, मेन रोड का है, चार चक्के गाड़ी जाएंगे तो दो पैसे बनेंगे, और किराया यहाँ बहुत मोटी है दुकान की, पुरानी पड़ेगा। पिछली बार जब बंद की स्थिति थी तो धंधे पे काफी प्रभाव पड़ा था, बहुत ज्यादा, कि एक साल तो बहुत झूलना पड़ा था, समझे, काफी नुकसान है, क्योंकि ये बात नहीं है कि किराया छोटी है तो काम चल जाएगा, 20-20 हजार रूपए किराया मत दुकान का है, किराया भी देना है, आमदनी नहीं होगी तो किराया कैसे देंगे, मजबूरी है। बिल्कुल, आप देखिए कि किस तरीके से लोग अपनी जो व्यथा है वो बता रहे हैं। आप लोग क्या यहाँ आसपास काम करते हैं? फैक्ट्री में किस तरीके से काम चल रहा है? आज बंद है कि नहीं? बंद है, हम लोग चौक पर से काम करते थे, काम नहीं मिल रहा है, वहाँ से लौट के हम लोग जा रहे हैं रूम पे। तो लेबर यूनियन ने आज बंद बुलाया आप लोगों का? हाँ, हम लोग काम करने के वहाँ चौक पर से काम करते थे, वहाँ से काम ने भी बंद हो गया, रूम किराया भी देना है, पैसा जुगाड़ करना बोल रहा था, राशन वाला, फिर राशन वाला पैसा दो। हाँ, फैक्ट्री अगर नहीं चलेगी तो काम कैसे करेंगे? फैक्ट्री में भी हमारा काम रुक गया है, क्योंकि गाड़ी का तो आना जाओ रुक जाएगा, तो फिर तो काम धंधा चौपट होगा ही होगा। बिल्कुल, और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो काफी संख्या में जो माल है, सामान है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो इसी रास्ते से जाता है। अब सोचिए कि फैक्ट्री का कितना सामान जो रास्ते में ही
रुका पड़ा है, उस पार नहीं जा पाया। सुरक्षा देखिए एक तरफ कि पुख्ता सुरक्षा है, मगर दूसरी तरफ तस्वीरें बेहद खराब है। तस्वीरें खराब इसलिए हैं क्योंकि आप देखिए कि लोग मजबूर हैं पैदल चलने पर, हाथ में तमाम तरह के सामान हैं, छोटा बच्चा आपने ले रखा है। तकलीफ हो रही, कब से पैदल चल के आ रहे हैं? तकलीफ तो है, सारे लोग को तकलीफ है। कितने दूर से चल के आ रहे हैं आप? आप देखिए कि परिवार के साथ हैं और परेशानी देखिए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, मजबूर है पैदल चलने पर, चूंकि आगे से रुकावट है और कोई भी यहां से जा नहीं सकता क्योंकि इंतजाम काफी पुख्ता है। तस्वीरें एक बार पीछे टिकरी बॉर्डर से सीधा दिखाना चाहूंगा, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं काफी मुस्तैदी के साथ। मगर एक बार फिर से सवाल यही कि स्थानीय लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका हल कैसे निकलेगा? यहाँ के लोगों की गुहार है कि जल्द से जल्द प्रशासन एक रास्ता निकाले ताकि स्थानीय लोगों को आवाजाही करने में परेशानी ना हो, दिक्कत मशक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इनका रोजगार पूरी तरीके से ठप हो चुका है और आमदनी के लिए दो पैसे कमाने काफी मुश्किल हो रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरा प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।